हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे ट्रिक की मदद से। ट्रिक से हम कम समय में और आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स को लेते हैं। हमें 40 का 20% निकालना है, तो सामान्य रूप से पहले हम इस प्रकार निकालते हैं। ये कट जाएगा इस प्रकार से, आंसर 8 आता है। लेकिन जब हम ट्रिक की मदद से निकालते हैं तो सिंपल हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है। ये ट्रिक से निकल गया परसेंटेज। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ 0 भी है तो कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ 80 भी हो सकता था और 0.8 भी हो सकता था और 8 भी हो सकता है। तो इस चीज को हमें खुद से अनुमान लगाना है कि 80 बहुत ज्यादा होगा और 0.8 बहुत कम होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। इसलिए 8 ये सटीक बैठता है, ये आंसर सही होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। 30 का 22%, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे उसी प्रकार से, यहाँ एक पॉइंट बैठा देंगे 6.6, ये आंसर निकल गया 30 का 22%। अब यहाँ भी कंफ्यूजन हो सकता है कि 6.6 क्यों सही आंसर है, तो यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे। 660 ये काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं है। 66 भी काफी बड़ा हो जाता है 22% 30 का, इसलिए ये भी नहीं है। 6.6 ये ठीक और सटीक आंसर बैठता है 22% 30 का, इसलिए ये सही आंसर है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। 61% ऑफ 30, तो यहाँ सबसे पहले हम 61% को अलग अलग भाग में बांटेंगे इस तरह से, 60% प्लस 1%। 30 का निकालना है तो 6 को हम सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 होगा, प्लस 1% 30 का होता है 0.3। अब हम इसे ऐड कर देंगे 18 और 0.3 को, 18.3, ये आंसर निकलता है 30 का 61%। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।